अरे ये पेड़ क्यों हिल रहा है? कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे चूमू, ये मैं हूँ, छोटी सी चिड़िया, मेरा नाम गोल्डफिंच बर्ड है। सो, आज की पोयम में हम इसी छोटी सी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्डफिंच, और इस ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लेबरनम। सो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लेबरनम टॉप, जो कि तुम्हारी हॉर्नबिल बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोयम है। तो इस वीडियो का आज मुझे पता नहीं क्यों लाइकिंग रखने का मन कर रहा है, रख दूं, मुझे पता है तुम लोग चुटकी में कंप्लीट कर दोगे। इस वीडियो का लाइकिंग रखते हैं 200 लाइक, मुझे पता है एग्जाम टाइम आराम से कंप्लीट कर दोगे एंड इसे बहुत ज्यादा कर दोगे। नॉक नॉक, पूछो हु इज देयर? अरे तुम्हारे आयुष भैया हैं, जो तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाले हैं इस वीडियो का। अगर इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो ना, देन एंड में तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? किसी को मत बताना, ठीक है? एंड वीडियो को तो छोड़ के मत जाना अभी से। तो आराम से चुकू मुको बैठो और आज के एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। सो अब चलो एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप, उसमें लेबरनम है क्या। लेबरनम एक शॉर्ट हाइट ट्री है जिसकी काफी सारी हैंगिंग ब्रांचेस होती है, इसकी येलो फ्लावर्स होते हैं एंड इसके सीड्स बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। तुम लोग इसकी फोटो अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते होगे। तो इस चैप्टर को लिखने का कष्ट किसने किया है, ये तुम लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, मैं हार्ट जरूर दूंगा जिसने सही लिखा होगा। तो अब चलो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को जान लेते हैं तुम्हारे फर्स्ट स्टैंजा के। तो हमारा पहला एंड दूसरा लाइन है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो यहाँ पे ऑथर हम लोगों को बता रहे हैं कि जो लेबरनम ट्री है वो साइलेंटली खड़ी है, बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पे, एंड ये आफ्टरनून का टाइम होता है और सेप्टेम्बर का मंथ होता है। अब हमारा थर्ड लाइन है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, मतलब कि जो लेबरनम ट्री है उसकी कुछ कुछ लीव्स यानी पत्ते अब येलो कलर की हो गई है एंड इस ट्री की सीड्स भी नीचे गिर गई है। वो जो टाइम था वो पतझड़ का टाइम आ गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब हमारा फोर्थ लाइन है, टिल द गोल्डफिंच कम्स With a twitching chirrup. इसका क्या मतलब है? इस लाइन में ऑथर कहते हैं कि अभी तक जो लेबरनम का ट्री था वो काफी साइलेंटली, काफी स्टिल अपनी जगह पे खड़ा था, लेकिन ये साइलेंस सिर्फ तब तक था जब तक गोल्डफिंच बर्ड वहां नहीं आई थी। जो गोल्डफिंच है वो एक सिंगिंग बर्ड है जो काफी छोटी सी होती है, इसकी येलो फेदर्स होते हैं और ये बर्ड उस ट्री पर एक हाई पिच साउंड करती हुई आती है। तो तुम लोग जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी फोटो अपने स्क्रीन पे देख सकते होगे। अब हमारा फिफ्थ लाइन है, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। इसका ये मतलब है कि जैसे ही गोल्डफिंच का बर्ड वहां आती है तो लेबरनम ट्री की ब्रांचेस में सडनली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। चलो सेकंड स्टैंजा को अब हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कहीं पे भी डाउट होगा ना तो तुम्हारे आयुष भैया को तुम लोग तुरंत ही कमेंट करके पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अब हमारे सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट टू लाइंस हैं, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। इसका क्या मतलब है? इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो स्लीक होती है एकदम बिल्कुल लिजार्ड की तरह। स्लीक का मतलब क्या होता है? साइनी, ग्लॉसी और स्मूथ, यानी कि जो गोल्डफिंच बर्ड होती है उसकी स्किन बहुत साइनी और स्मूथ थी। वो गोल्डफिंच बर्ड बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह हमेशा अलर्ट होती है, मतलब चौकन्ना होती है, और अब्रप्ट मतलब बिल्कुल सडन होती है। तो कभी भी तुम लोगों ने कभी भी लिजार्ड को देखा होगा ना तो ये नोटिस किया होगा कि लिजार्ड काफ़ी अलर्ट रहता है अपनी आसपास की सराउंडिंग से और काफ़ी सडनली मूवमेंट दिखाता है जब भी उसे डेंजर फील होता है अपने आसपास। तो इसी तरह जो गोल्डफिंच बर्ड है वो भी काफ़ी अलर्ट होती है और फिर सडनली ट्री के अंदर एंटर करती है। अब बर्ड मोटी सी ब्रांच से होते हुए ट्री में एंटर करती है और जैसे ही वो ट्री में एंटर करती है तो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब ट्री में कौन सी मशीन थी? ट्री में उस गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट था एंड उसके बच्चे जो थे वो जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं और जो एकदम शांत सा माहौल था उसमें जान डाल देते हैं। यानी कि जो दोपहर का टाइम था उस टाइम पूरा इन्वायरमेंट शांत पड़ा हुआ था एंड जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड ट्री के अंदर एंटर करती है तो
उसके जो बच्चे होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ऑब्वियसली उनकी मम्मा उनके लिए खाना लेके आई है। अब हमारा थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इसका क्या मतलब है? इन दो लाइन्स में ऑथर बताते हैं कि जैसे ही वो बर्ड वहाँ जाती है तो गोल्डफिंच बर्ड के बच्चे चिटरिंग साउंड निकालने लगते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगते हैं एंड अलग अलग साउंड निकालने लगते हैं जिससे पूरा ट्री हिलने लगता है और अचानक से स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट प्लेजर का माहौल पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। अब हमारा लास्ट स्टैंजा दैट इज थर्ड स्टैंजा का पहला तीन लाइन है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका क्या मतलब है? गोल्डफिंच बर्ड इंजन है अपनी पूरी फैमिली का, मतलब वो जो बर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी पूरी फैमिली का, क्योंकि वही अपने बच्चों को फीड कर रही है एंड अपने बच्चों का केयर कर रही है। गोल्डफिंच बर्ड अपने बच्चों को पेट खाना खिला देती है और उड़कर ब्रांच के एंड में फिर चली जाती है जहां से वो आई थी। जाते वक्त वो गोल्डफिंच बर्ड अपने आइडेंटिटी मार्क जो कि उसके आई के पास का ब्लैक स्पॉट था वो अपने बच्चों को दिखा देती है ताकि उसके बच्चे उसे याद रखे एंड दूसरा जो बर्ड आए उसके आते ही वो शोर ना मचाने लगे। अब हमारा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफिनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो स्ट्रेंज सी चहचहाने की आवाज़ निकालती है और विस्परिंग की साउंड निकालती है और फिर उस पेड़ से उड़ जाती है आसमान की तरफ और लेबनम की ट्री फिर से खाली हो जाती है और शांत हो जाती है। सो गाइज, इसी के साथ आज का हमारा पूरा पोयम कंप्लीट होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने सीक्रेट क्वेश्चंस के बारे में बोला था ना, चलो अब मैं तुम लोगों को वो सीक्रेट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो अभी तुम लोग स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस को देख सकते होगे। ये जो क्वेश्चंस है ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कमेंट एरिया में मुझे कमेंट करके बताओ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, ठीक है? साथ ही में वहाँ पर भी आंसर करके बताओ एंड हाँ, वहाँ पे तुम लोग मुझे बात करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं अभी तक, कर लो भाई, इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।